वेलकम टू द सीक्रेट फैक्ट जीनियस। ये शब्द सुनते ही बस लोग के दिमाग में एक ही नाम याद आता है, दुनिया के महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्हें दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। यहाँ तक कि 14 मार्च जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। इस वीडियो में दुनिया के महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन के 10 ऐसे फैक्ट के बारे में जानेंगे जिन्हें ना आप कभी पढ़े होंगे ना आप कभी सुने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10, जब एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन की वाइफ से पूछा गया, क्या अपने हस्बैंड की थियोरी को अच्छी तरह से समझती हैं, तो पता है उन्होंने क्या कहा? नहीं। और साथ में ये भी कहा कि मैं अपने हस्बैंड को अच्छी तरह से समझती हूँ और उन पर भरोसा किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 9, जब अल्बर्ट आइंस्टीन पैदा हुए तो उनका सिर बाकी बच्चे के मुकाबले में बहुत बड़ा था और डॉक्टर ने यह कह दिया था कि यह बच्चा मानसिक तौर से बीमार है। आइंस्टीन ने 7 साल के बाद पढ़ना शुरू किया और आइंस्टीन को स्कूल जाने का मन नहीं करता था, वो हमेशा लड़ते हुए स्कूल जाते थे। फैक्ट नंबर 8, दुनिया के इतने बड़े साइंटिस्ट होने के बाद भी अल्बर्ट आइंस्टीन को कार चलाना नहीं आता था। वे समुद्री यात्रा के बहुत ही शौकीन थे लेकिन उन्हें तैरना भी नहीं आता था। फैक्ट नंबर 7, मैं आपसे पूछूं कि आपके फेवरेट साइंटिस्ट कौन है, तो शायद आप में से बहुत लोग के फेवरेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ही होंगे, लेकिन क्या आपको मालूम है अल्बर्ट आइंस्टीन के फेवरेट साइंटिस्ट कौन थे? तो वो थे गैलीलियो गैलीली। फैक्ट नंबर 6, ये तो आप सब जानते ही होंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन को बचपन में मंद बुद्धि वाला लड़का माना जाता था। टीचर ने तो यह तक कह दिया था कि ये लड़का यानी अल्बर्ट आइंस्टीन जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। वही मंद बुद्धि लड़का दुनिया के ग्रेट साइंटिस्ट बना, जिन्होंने एक महान फार्मूला दुनिया को दे दिया, E=MC². फैक्ट नंबर 5, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आइंस्टीन को मंद बुद्धि वाला लड़का कहा जाता था, एक बार आइंस्टीन के मैथ के प्रोफेसर ने आइंस्टीन को लेजी डॉग कह दिया। आइंस्टीन पढ़ाई में अच्छे नहीं थे लेकिन मैं आपको बता दूं, उनका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ ही था। फैक्ट नंबर 4, आइंस्टीन अपने काम को पूरी फोकस के साथ करने के लिए वो अपने आराम में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, इसलिए वो पूरे 10 घंटे का नींद लिया करते थे ताकि वो अपना काम अच्छे से कर पाए। फैक्ट नंबर 3, आइंस्टीन अपने उम्र के 4 साल तक कुछ नहीं बोले थे। एक बार जब वो अपने फैमिली के साथ खाना खा रहे थे तब उन्होंने अचानक बोला, सूप कितना गर्म है। तब यह सुनकर उनके फैमिली वाले शॉक्ड हो गए। फैक्ट नंबर 2, सन 1952 में इजराइल के तरफ से अल्बर्ट आइंस्टीन को राष्ट्रपति बनने का ऑफर आया था, लेकिन आइंस्टीन ने यह कहकर मना कर दिया था कि वह पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने बल्कि साइंस के लिए बने हैं। लास्ट फैक्ट, अल्बर्ट आइंस्टीन के पास बहुत सारे स्टूडेंट आया करते थे और उनसे उनके सफलता का राज पूछा करते थे। एक बार एक स्टूडेंट आया और उनसे पूछा कि सर, आपका दुनिया में इतना बड़ा नाम है और लोग आपकी तारीफ कर थकते नहीं हैं, प्लीज मुझे बताइए कि महान बनने का सीक्रेट तरीका क्या है? तो पता है दोस्तों, आइंस्टीन ने मुस्कुराते हुए सिर्फ एक शब्दों में जवाब दिया, लगन। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।